कल जहां दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई जिसमें रिंकू सिंह को बॉडीगार्ड कहने को लेकर पूर्व विधायक का पति सुरेंद्र सिंह का क्या कहना है आइए सुनते हैं। मारपीट की घटना हुई, आप पे आरोप लगाया गया, रिंकू सिंह जो आपके बॉडीगार्ड है उन पे भी आरोप लगाया गया कि सरेआम हथियार का प्रदर्शन किया गया, मारपीट किया गया, क्या पूरा मामला है? पहले तो रिंकू सिंह हमारे बॉडीगार्ड नहीं है, रिंकू सिंह पार्टी के क्षत्रिय सदस्य हैं और क्षत्रिय कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में रिंकू सिंह चरवर्कर पार्टी का साथ दिए। जहाँ तक मारपीट की बात है और जो जिला अध्यक्ष जो मिथिलेश कुशवाहा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, मिथिलेश कुशवाहा जी खुद अगले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री भगवान कुशवाहा के प्रचार में थे। वो दूसरे को बॉडीगार्ड कहते हैं या भाजपा नहीं कहते हैं, ये घास्पद बात है। जहाँ तक धीरेन्द्र सिंह की बात है, उन्होंने गाली गलौज की और हॉल में शक्ति चंद्र की बैठक चल रही थी और शक्ति चंद्र की बैठक को आम सभा में बदल दिया आके और माइक बांध दिए और वहाँ पर ललटेन के कार्यकर्ताओं को दारू पिला के और सामने बैठा दिए। और उन्होंने जिस चूँकि वो हॉल रिंकू सिंह का था, उन्होंने कहा कि हमारे हॉल में बिना हमारे परमिशन के कैसे तरह तुर क्या बैठक कर रहे हैं। इस पर उन्होंने रिंकू सिंह को गाली दिया, गाली दे दिया तो ठेला ठेली दोनों आदमी में हुआ, ये भी थप्पड़ चलाए वो भी थप्पड़ चलाए, इसमें हम कहाँ बीच में आते हैं? आपको वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा में नहीं है आप तो भाजपा के। अब हम तो जो है कि भाजपा ने, हम तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंडल पांडे जी समय थे और पार्टी के नेता, हमारे बिहार के नेता सुशील मोदी के निमंत्रण पर हमने पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हम तो क्षत्रिय सदस्य बनाया। क्या माना जाए कि भाजपा में भी अंतःकलह चल रही है? भाजपा में अंतःकलह नहीं है, ये चार पांच आदमी जो हैं ये 10 वर्ष से इस पार्टी को कमजोर बना के रखते हैं और पार्लियामेंट चुनाव में ये भाजपा के साथ हो जाते हैं और विधानसभा के चुनाव में ये ललटेन में चले जाते हैं। ये मिथिलेश कुशवाहा हैं, धीरेन्द्र जी हैं, हरेंद्र पांडे जी हैं, ये पार्टी को बढ़ने नहीं देना चाहता है, ये सब दलाल प्रवृत्ति आदमी है, इनके आगे पीछे एक आदमी भी नहीं है, ये सबको डिस्टर्ब करना चाहते हैं और पार्टी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को रहने से पार्टी को सिर्फ नुकसान होती है। आज भी फिर बैठक की गई है बड़हरा में? अब आज बड़हरा में बैठक की गई है, शक्ति चंद्र की बैठक है, उस बैठक में ना बड़हरा का मंडल अध्यक्ष है, ना बड़हरा विधानसभा का प्रस्तावक है, ना बड़हरा विधानसभा का शक्ति चंद्र के अध्यक्ष है, ना पंचायत के अध्यक्ष है, ललटेन के 50 कार्यकर्ताओं को बैठा कर और तापती भर चुनाव में भी राजविंदर जी साइकिल पर चढ़ के ललटेन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा दिए और उनके लड़ने से उनका तो चुनाव में जमानत जब्त हो गया राजविंदर जी का, लेकिन आशा देवी भाजपा के उम्मीदवार चुनाव हार गई और फिर ये वही काम शुरू किए हुए हैं। और मिथिलेश कुशवाहा, हरेंद्र पांडे और ये धीरेन्द्र प्रसाद जो हैं, ये सारे के सारे इसी टाइम रहते हैं कि पार्टी चटे से बुराई हो जाए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया जिला अध्यक्ष के द्वारा और डायरेक्ट आप पे वार किया गया, विधायिका पे वार किया गया, इसके बारे में जी? इस बार वो राजविंदर जी और मिथिलेश कुशवाहा जी जो जिला अध्यक्ष हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए किसी भी पार्टी में, पार्टी का सिस्टम है कि यदि पार्टी में अनुरोधी कोई बात भी हुआ हो, हल्ला भी हो, हर पार्टी में होती है और भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, तो उसमें कोई बात हुई तो इनको पार्टी से पूछना चाहिए, रिंकू सिंह से बुला के पूछना चाहिए कि क्यों ऐसी घटना हुई है, और यदि रिंकू सिंह दोषी है तो पार्टी फॉर्म पर इशू रखना चाहिए। इसमें बिना पूछे बिना जाने एक तरफा होते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इससे साफ जारी होता है कि आप इसका मतलब पार्टी का बदनाम करना चाहते हैं, पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। ये तो पुलिस पार्टी ऑफिस में, पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर बताते इस बात को, पार्टी पूछता कि रिंकू सिंह ने क्यों गलती की, गलती करते तो रिंकू सिंह लड़ाई होती, लेकिन नहीं जाते अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये मालूम पड़ता है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी इनके जेब में है, यही भारतीय जनता पार्टी के मालिक है, तो तानाशाही की बात है। आरोप लगाया गया है कि आप धीरेन्द्र सिंह की पिटाई की है, क्या था पूरा मामला? मामला यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हमको मालूम चला कि कैम नगर में मीटिंग चल रही है, हम गए
वहाँ पर गए तो देखे कि हमारा एक अर्ध निर्माण रेस्टोरेंट है तो उसमें ही लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो हमने पूछा उनसे कि क्या मीटिंग कैसे चल रही है, अरे पार्टी के हम भी हैं, मीटिंग चल रही है। तो रेस्टोरेंट में बिना हमारे इजाज़त के, बिना हमारे केयर टेकर के कहे हुए, उसमें बरियारी राजद के लोग को बैठा के अपना मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके उसी में पूछे तो उसमें बकझक हुआ, तो उन्होंने भी हम पर हाथ छोड़ दिया, गाली गलौज दिए। तो हम उन्होंने हाथ छोड़ा, हमने भी हाथ छोड़ा, दोनों तरफ से हाथा भाई। पिस्टल भी निकालने नहीं, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं, तो पिस्टल कर हम भाजपा का कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम हर चुनाव में चर भर के साथ देते हैं, चर भर के काम करते हैं। आपको बड़हरा विधायक और सुरेंद्र सिंह का बॉडीगार्ड कहा गया उन लोगों के? हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, ना कि बॉडीगार्ड।